नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लें और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। तीसरी लाइन और राइट साइड सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। तीसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और चौथी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे। इस तरह चार लाइन कंप्लीट हो गया। पहला दूसरा लाइन सीधा और तीसरा और चौथा लाइन उल्टा। पांचवी लाइन में हम दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे और 2 फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 8 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा स्लिप करना है और 8 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदा स्लिप करते हुए और 8 फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर दी गई है। और अब ये डिज़ाइन का 6ठा लाइन है और रॉन्ग साइड स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे सीधे बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे स्लिप करते हुए और बुने हुए फंदे सीधा बुनते हुए 6ठी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये डिज़ाइन का 7वां लाइन है और सामने से स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। स्लिप किए हुए फंदे स्लिप करते हुए और बुने हुए फंदे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। उन दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते हुए और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनते हुए 7वीं लाइन कंप्लीट हो गई। और 8वीं लाइन में स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। टेंथ रो और रॉन्ग साइड डिज़ाइन का 10वां लाइन और पीछे से स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। अभी तक पीछे से हम सीधा बुन रहे थे और ये सफ़ेद रंग के ऊन से ये 6ठा लाइन है और इसमें हम पीछे से उल्टा बुन रहे हैं। और सामने से देखिए पहला लाइन हम सीधा बुने हैं, शेष सभी लाइन हम सामने से सफ़ेद रंग के ऊन वाला उल्टा बुने हैं। ऐसे ही करके पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पहले रंग के ऊन से 4 लाइन बुनने के बाद दूसरे रंग के ऊन से 6 लाइन बुना गया है। तो 5वां लाइन सीधा बुना गया है, 7वां लाइन और 9वां लाइन उल्टा बुना गया है
और उतारा हुआ फंदा उतार लिया गया है और बुना हुआ फंदा उल्टा बुना गया है। और पीछे से देखिए तो पीछे से सफ़ेद फंदों का सभी लाइन सीधा बुना गया है और लास्ट लाइन यानी दसवां लाइन उल्टा बुना गया है। अब यहाँ से हमारा पहला लाइन फिर से शुरू होगा, यानी कि पहले रंग के ऊन से पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगला आठ फंदा सीधा बुनेंगे। दो फंदा स्लिप करेंगे, इस तरह दो फंदा स्लिप करते हुए और आठ फंदा सीधा बुनते हुए ग्यारहवीं लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के पांच फंदे सीधे। बारहवीं लाइन और रॉन्ग साइड बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तेरहवीं लाइन और सामने से बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा ये जो दूसरे रंग के उनका चौथा और पांचवा फंदा है, यानी कि आठ फंदों में से मिडिल फंदा चौथा और पांचवा, ये फंदा हमने स्लिप किया है और शेष फंदे उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा बुनते हुए और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते हुए तेरहवीं लाइन कंप्लीट हो गई है। चौदहवीं लाइन में बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। पंद्रहवीं लाइन और दूसरे रंग के ऊन से दो फंदा स्लिप करेंगे और फिर आठ फंदा सीधा, यानी हम अपना पांचवा लाइन दोहराएंगे। आठ फंदा सीधा, फिर दो फंदा हम स्लिप करेंगे, ये दो फंदा इन आठ फंदों के बीच वाला फंदा है, यानी पांचवा फंदा और छठा फंदा। ये दो फंदा हम जो स्लिप किया गया था, तो ये दो फंदा उसके तीन फंदा इस साइड में और तीन फंदा इस साइड से, ये आठ फंदा हमें सीधा बुनना है। पहले रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद दूसरे रंग के ऊन से छह लाइन बनाया जा रहा है, तो हम इन छह लाइन को हम दोहराएंगे, यानी छठा सातवां आठवां नौवां और दसवां लाइन हम दोहराएंगे। दूसरे रंग के उनसे
छह लाइन कंप्लीट हो गया है। पहला लाइन सीधा बुना गया है और शेष लाइन सामने से उल्टा और पीछे से सीधा बुना गया है। और लास्ट लाइन यानी छठा लाइन देखिए, पीछे से उल्टा बुना गया है। यहाँ शेष सभी लाइनें पीछे से सीधी बुनी गई है, लास्ट लाइन उल्टा बुना गया है यहाँ, और सामने से पहला लाइन सीधा बुना गया है और शेष लाइन उल्टा बुना गया है। तो चार लाइन ये उल्टे फंदों की चार धारियाँ बन के तैयार है। छह लाइन का ये डिज़ाइन है, सफ़ेद रंग के ऊन से छह लाइन बनाया गया है। तो देखिए चार लाइन यहाँ पे उल्टे फंदों की चार धारियाँ आ गई हैं। और अब चार लाइन पहले रंग के ऊन से बनाया जाएगा। तो पहले रंग के ऊन से पांच फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप किया जाएगा, फिर आठ फंदा सीधा और दो फंदा स्लिप किया जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर आठ फंदा सीधा, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दस लाइन का रिपीटेड ये डिज़ाइन है और डिज़ाइन बन के तैयार है। इन्हीं दसों लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। सामने से देखिए ये ऐसा दिख रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।